अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। गाइस, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे। आप देख रहे हैं फैंसी पिजन इन होम, और आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फैंसी पिजन इन होम को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि तमाम अपडेट जो हैं फैंसी पिजन के प्लेटफॉर्म से आपको मिलती रहे और हमारी जो बर्ड्स कम्युनिटी है वो इसी तरह बढ़ती रहे। तो गाइज़, आज का जो है मैंने वो व्लॉग यहाँ से शुरू किया। ये देखें माशाल्लाह इनका बेबी जो है वो कितना बड़ा हो गया है, हाई फ्लाइंग का। और आज हम करने का जा रहे हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ गाइज़ अपने व्लॉग में। लास्ट कुछ व्लॉग से आप देख रहे हैं कि मैं जितने भी हमारे जो पिजन्स हैं ये सारे, इनको एक तो एंटीबायोटिक दे रहा हूँ, इनकी वैक्सीनेशन कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो मौसम बदला है कुछ उस वजह से, और कुछ वैसे भी मैंने कहा बर्ड्स कुछ ढीले पड़े हुए थे, कुछ को बुखार वगैरह और इस तरह की चीज़ें हो रही थी, तो मैंने कहा चले एक ही बार सबको जो है ना वैक्सीनेशन कर दी। तो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी, उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने सबको जो है ना पानी में वैक्सीनेशन मिक्स करके सबको पिलाई थी, इनको प्यासा रख के जो है ना वो वैक्सीनेशन मैंने इन सबको पिलाई थी, क्योंकि मौसम के बदलते ही वो जो है ना बर्ड्स वगैरह थोड़े हेल्दी एक्टिव रहे और आगे जो गर्मी में जो है ना इनको ज़्यादा कोई इशू ना हो। बाकी वो जो मेडिसिन है वो मैं कंटिन्यू रखूँगा, हर महीने बाद उस पर मैं व्लॉग बनाता रहूँगा और आपको उस पर सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देता रहूँगा। उसके साथ साथ गाइस जो है वो सारी चीज़ें जो हम एक डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे जो है ना मैंने मेडिसिन भी सारी जो है उसी के रिकमेंडेशन में दी हैं, और बाकी चीज़ें भी जो है वो मैं इसी तरह कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो फैंसी पिजन है वो अंडे वगैरह जो है वो ज़ाया कर रहे हैं, बैठते हैं लेकिन उसमें से जो है बच्चे वगैरह नहीं निकलते। उसके अलावा जो है बर्ड्स वगैरह थोड़े कमज़ोर हुए हुए थे, कुछ को बुखार था, कुछ ढीले थे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना उन मेडिसिन में मैं कवर कर रहा हूँ। आज क्या करने जा रहे हैं, आज गाइस जो है ना इनको स्प्रे करने जा रहे हैं, एंटीबायोटिक स्प्रे जो है वो मैं करने लगा हूँ सब केजीज को करने लगा। इसमें जिस किसी किस्म की जो कोई बीमारी है, कीड़े हैं, मच्छर हैं, और बर्ड्स के हवाले से कोई भी है, देखें ना कोई कीड़े वगैरह पड़े हुए हैं, कोई बीमारी है केजीज में, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। सफाइयाँ जो हैं रिसेंटली सारे केजीज की सफाइयाँ करवाई हैं, ये देखें ये वाली भी सब केजीज की सफाइयाँ जो वो करवा दी थी मैंने, बाहर से जो है ना बंदा ला के उससे सारी सफाइयाँ की थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने कहा चलें सफाइयाँ जो है ना हर मंथली एक बार मैं ज़रूर करता हूँ। आपको पता होगा मैं अक्सर व्लॉग डालता रहता हूँ सफाई के हवाले से, क्योंकि बर्ड्स वगैरह रखने हैं तो सफाई गाइस बहुत ज़रूरी है। इसके बाद गुजारें चलें आप सीधा पॉइंट पर आते हैं, आप करने का जा रहे हैं गाइस। ये देखें ये गाइस एक पाउडर है, ये मैं आपको ज़रा क्लियरली दिखाता हूँ, क्योंकि मैं जितने भी अपने व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ उसमें मैं आपको कंप्लीट जो है ना मेडिसिन के हवाले से इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ। पाउडर ये बेसिकली गाइस पाउडर है, ये देखें अगर अब आपको क्लियर नज़र आ रहा हो, ये देखें नाम थोड़ा सा क्लियर जी, ये बेसिकली गाइस कीड़ों के लिए है, एंटीबायोटिक है, किसी किस्म की कोई बीमारी केजिस के अंदर है, मच्छर हैं और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं उनके लिए है, सिर्फ ये जानवरों के इस्तेमाल की। ये भी मैं जो आपको पाउडर, ये नाम है इसका, ये देखें अब नाम क्लियर होगा। ये पाउडर भी आपको जो मेडिसिन की शॉप है, जानवरों की परिंदों की जो मेडिसिन शॉप है, वहाँ से इजीली मिल जाएगा। ये आपने ला के इस तरह एक पानी की बोतल पकड़नी है, 1.5 लीटर वाली 2 लीटर वाली पानी वाली बोतल पकड़ें, उसको फुल भर के उसमें जो है ना पूरा ये एक पैकेट जो है ना उसमें डाल दें, 10 ग्राम का ये पैकेट है, और ऊपर इस तरह ये स्प्रे वाला जो आप लगा दें साथ, इसकी मदद से ये देखें ना ये मैंने अब बना इसको रेडी कर लिया, ये पाउडर ये पूरा एक पैक जो है ना मैंने इस बोतल में डाल दिया, साथ में ये स्प्रे, अब ये स्प्रे की मदद से ना ये देखें ये वो आप देख रहे हैं, इसकी मदद से जो है ना आप सारा जो है ना इसको स्प्रे करते हैं, और जो एंटीबायोटिक वाला काम है, जरासीम का काम है, मच्छरों का, कीड़ों का जो काम है, आज उसको भी ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये व्लॉग जितने भी आ रहे हैं ये सारे जो है ना इनकी केयर के बारे में बना रहा हूँ। बाकी बर्ड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, बर्ड्स वगैरह को बाहर निकालते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, आप देखते रहते हैं, तो इस हवाले से कोई वो आप व्लॉग नहीं था, तो मैंने कहा चलें साथ साथ ये व्लॉग डलते रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन भी होती रहेगी और साथ में हमारा जो है शौक है फैंसी पिजन का और जो बर्ड्स कम्युनिटी वो हमारी चलती रहेगी। तो चलें अब इनको जो है ना वैक्सीनेशन नहीं सॉरी इनकी जो है एंटीबायोटिक जो है ना वो हम शुरू करते हैं, पानी के हवाले से जो स्प्रे हमने मारना है कीड़े मच्छरों के लिए और इस तरह की जितनी बीमारियों के लिए। तो चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग, और व्लॉग तो वैसे काफ़ी देर से शुरू हो चुका हुआ है, स्प्रे शुरू करते हैं अभी गाइस। गाइस इसी तरह मैं शुरू करता हूँ, यहीं से शुरू करते हैं, ये देखें ये सारा जो है ना मारते जाएंगे, ये पानी इसमें पड़ा हुआ निकालते हैं, इस वाले एरिया में भी मार देते हैं गाइस ये, और ये सारा इसी तरह ना ये सबको जो है ना बाहर से मार रहा हूँ गाइस, ये देखें क्योंकि अंदर से काफ़ी को जो मैंने मार दिया हुआ है और कुछ को जो था वो बाकी था, इसको भी खोल के क्योंकि लकड़ी वाले केस से शुरू किया तो मैंने कहीं इधर से शुरू करते हैं, ये देखें सर ये खुल नहीं रहा है, ये लगा ये भी सारा हो गया, और इसको भी इधर से मार देते हैं। उसके अलावा हमारा ये केजीज भी आ गए, ये सबको जो है ना गाइस इसी तरह ये अभी सिर्फ बाहर बाहर से गाइस मार रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर मैं अंदर सारे दरवाजे खोल के जो मारूंगा, क्योंकि मेरे हाथ में जो है ना फ़ोन है, मैं साथ साथ व्लॉग बना रहा हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको यहीं पे दिखा दूँ, उसके बाद जो है ना भाई इनको खोल के फिर सारा मैं इनके ना अंदर वाली जो साइड है उस पर मार, ताकि ये कम्प्लीट हमारा हो जाएगा जो इसकी
क्लीनिंग का काम है जिसमें कीड़े वगैरह, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो ख़त्म हो जाएंगे, बर्ड्स को जो कीड़े वगैरह पड़ते हैं वो सारा इसी में कवर हो जाएगा। तो पहले इनको बाहर निकालते हैं एक एक को, फिर जो है ना साथ से इनको मैं वैसे बाकी ये देखें, ये सारे पिजन जो है मैंने निकाल के गाइज ये सारे साइड पे कर दिए। ये देखें किस बॉक्सेस में कर दिए, ऊपर वाले और नीचे वाले में स्प्रे हो गया। अब इसकी बारी थी तो मैंने कही आपको साथ दें। ये देखें ये सारा जो है ना, हम इस तरह हम सारा स्प्रे कर देंगे जालियों पे भी, ऊपर नीचे भी, ताकि कोई भी किसी किस्म की कोई बीमारी, ये इवन इनकी ये कनालियों पर भी मैं कर रहा हूँ। और इसी तरह जो है ना सारे केजेस में ये लगाए, इस तरह करके आप स्प्रे कर दे। बस ये सारा हो गया। और अब ये रह गया हमारा ये वाला बॉक्स रह गया, इसमें भी हम इसी तरह ही गाइस ये देखें सारा मैंने कर दिया। इवन इनकी ये जो कनाली है इसमें भी, ताकि कोई कीड़े वगैरह कुछ भी है तो वो ख़त्म हो जाएंगे। ये इस तरह करके ये देखें दीवारों पे भी मैंने किया सारा, छतों पर भी। आप इसी तरह इसको स्प्रे करें ताकि किसी किस्म की कोई बीमारी है केजेस में वो ख़त्म हो जाएगी, कीड़े मकोड़े सब ख़त्म हो जाएंगे। ऊपर वाले केजेस में गाइस मैंने कर दिया, ये रह गए थे ये सारे ऊपर वालों में हो गए और नीचे वालों में भी, इसमें भी कर दिया। और अब ये वाले बॉक्सेस रह गए लो हमारे सामने वाले, जो पुराना हमारा केजेस था इसकी भी सामने दीवारों पर भी गाइस करेंगे, और ये वाली साइड भी सारी मैं कर दूँगा ये देखें, और नीचे भी इस पर भी इस तरह करके। अब करते हैं ऊपर वाला गाइस, ठहरे ज़रा इसको नीचे रख दें। ये किसी भी देखें ना सिंपल बोतल है घर से लेके, उसके ऊपर आपने बस स्प्रे लगाना है, और ये हमारा ये वाला एरिया भी कवर हो जाएगा इस तरह करके। ये सारा स्प्रे जो है ना सिंपली बाहर जाली पे भी मार दें, ऊपर चारों तरफ इधर उधर, ये देखें छतों पे भी मार दी, दीवारों पे भी और बेस पे भी। ये एक बार फिर देख लें आप, ये देखें ये लगा इस, ये भी सारा स्प्रे हो गया। ये बाहर से भी मैंने मार दिया, और दरवाजों पर मैंने ऑलरेडी मार दिया हुआ है। इस वाले केजेस पे भी हो गया सारा, वो देखें इधर से मैंने निकाल के सारे, ये किंग साइज़ वगैरह इधर रखे मैं, और इनको निकाल के भी सबको जनरल स्प्रे मार दिया। थोड़ा सा मैंने अपने ब्लॉग में ऐड कर दिया ताकि आप लोगों को पता चल जाए, ये देखें तरीकाकार। और ये देखें ये हो गया गाइस सारा स्प्रे जो है ना आज का कम्प्लीट हो गया। स्प्रे सारे केजेस में गाइस स्प्रे हो गया, इन वाले केजेस में भी हो गया, और ये वाले केजेस में भी जो है स्प्रे हो गया। अब जो है इनको वापस जो है ना, ये वाले जो पेयर हैं इनको वापस इनकी जगह पे रखते हैं, और किंग साइज़ को जब वापस इन जगह पे रखते हैं। तो गाइज़ ये एक छोटा सा व्लॉग मैंने आज आपके लिए बनाया था, ये मैं एक बार फिर आपको दिखा दूँ। ये देखें ये गाइज़ वो पाउडर की शेप है जो आपने पानी में मिक्स करके 10 ग्राम, ये पाउडर का नाम भी बताती है, ये बोतल मिक्स करके इस तरह सबको एक बार स्प्रे कर दे, जितने भी केजेस हैं चूज़ों के हो गए, तोतों के हो गए और आपके पिजन्स के, तो सबकी जो बीमारी वगैरह वो दूर हो जाएगी। ये देखें इन सबको भी मैंने मारा, इनको तो मैंने काफ़ी ज़्यादा मारा हाइपलाइन को, ये देखें गीला हुआ सारा क्योंकि इनकी बीटें वगैरह ज़्यादा होती हैं और इनका गंद भी ज़्यादा पड़ता है, इसलिए ज़्यादा स्प्रे किया, बाकी सबको जो है क्लियर कर दिया। तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको मेरा आज का व्लॉग जो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए और दुआओं में गाइस याद रखिएगा। जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर और कीजिए फैंसी पिजन को, और आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़ गाइज़।